खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या भरोसा नहीं है? इसमें जहर नहीं है। अब बेफिक्र होकर खाओ, मरोगे नहीं, पेट भर जाएगा। क्या बकवास कर रही हो जारिया? मुझ में तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ। मैं अकेला छोड़ दूं ताकि मंसूबे बनाओ और हमारा घर उजाड़ दो? हम पहले ही उजड़ चुके हैं। तुम अंधी हो जो सब नहीं देखती। मैं अंधी हूँ, बहरी हूँ, पागल हूँ? तुम्हारे तो होशोहवास बहाल है ना, तुम ही मुझे समझा दो। मैं अपने घर में कैद होकर रह गया हूँ पगली। मैं गुसल खाने भी जाऊँ तो उसकी खबर मुख्तार को होती है। ये कोई छोटा अजाब है? इस घर से बेहतर तो कब्र होगी। ये सब तुम्हारा ही कसूर है। मैं कसूरवार हूँ या तुम? जाके मुख्तार के पैरों में गिर गई, इस कदर गिरिया किया कि वो हमारे गुरूर को कुचलकर हमारी जान बख्शने पर तैयार हो गया। अच्छा, मतलब तुम्हारी इस बिगड़ी हुई तबीयत और टेढ़े तेवर का राज वो अमान नामा है जो मुख्तार ने हमें दिया था। हाय, मैं मर जाऊं तुम्हारे पामाल शुदा गुरूर पर। जब एक मर्द का गुरूर पामाल हो जाता है तो उसकी गैरत रोने लगती है। मैं समझ सकती हूँ। याद है जिस दिन कूफे की औरतों ने तुम्हें पत्थर मारे थे? मैंने तुमसे कितने इल्तमास किए थे कि उमर चलो कूफा छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारी गैरत रो रही होती तो तुम उसी दिन कूफे को 3 तलाक दे देते। तो तुम अच्छी तरह समझती हो उस मर्द के दुख को जिसका पामाल हो गया हो। मैंने कुछ ऐसे पर वाले सफेद पोश लोग देखे जो आसमान से उतरे और शैतान की फौजों पर टूट पड़े और पलक झपकने में उन्हें मार भगाया। ये बकवासियात क्या मुख्तार का नया दावा है? एक शीरी जबान शायर का कलाम है जो कूफे के हर गली कूचे के लोगों का विरदे जबान बन गया है। मुख्तार ने शेर के कहने वाले को बेहतरीन सिला भी दिया है। ये कज़्ज़ाब तो मकामे रसालत की लालच रखता है। ऐ काश मैं नेज़े के साए की शर्त न रखता। ये तो इराक के सूरज की धूप के नुकसानात में से है जो इंसान का दिमाग खराब कर देता है और अकल ठिकाने नहीं रहती। वरना ये तो हम सबको पता था कि मुख्तार को मोहलत देना एक बहुत बड़ी गलती है। क्या बात है हकीम, क्या ये पांव ठीक भी होगा या मर जाने के बेटे के पैर की तरह हमेशा के लिए सड़ गया है? आप खुद देख सकते हैं उस हैबत नाक और तफन वाले जख्म से अब सिर्फ एक मुख्तसर सी खराज बाकी रह गई है। वाकई घबराए मत, आंखें खोलकर अपने कादिम के मोजे को देखिए। शाबाश हकीम, वाकई तुम मसीहा हो मेरे। अपने मुंह मियां मिठू का मुहावरा ना लग जाए, वरना ये जहरीला जख्म सिवाय मौत के हरगिज ठीक ना होता। नाचिस की जादुई दवाओं ने इस जख्म को ठीक कर दिया है। यानी क्या क्या मैं फिर से आशा के सहारे के बगैर चल सकता हूँ? आपका पांव उस दिन से भी ज्यादा अच्छा है जिस दिन आप पैदा हुए थे। आज के बाद उछल उछल कर टिड्डे की तरह चल सकते हैं। देख रहे हो बिनशस, मैं एक अजम की तलवार के जख्म से निजात पा गया। खुदा का लाखों करोड़ों शुक्र है।
शिमर के लिए ये बहुत शर्म की बात होती कि उसका पांव उससे पहले कब्र में चला जाता, वो भी एक अजम की तलवार की जरब से। ये पैर जब तक ईरानी कयान के सीने की फसलियों को न तोड़ दे, शिमर माफ नहीं करेगा। ईरानी कयान से इंतकाम लेने के लिए अभी काफी वक्त पड़ा है। शिमर, तुम्हारे पांव के जख्म ने हम सबको परेशान कर रखा था, अब जबकि हम इसके शर से निजात पा चुके हैं तो अब वक्त जाय नहीं करना चाहिए। मुख्तार के जासूस लम्हा ब लम्हा हमारे करीब आते जा रहे हैं। मैं तैयार हूं, तमाम साथियों को बाखबर कर दूं, आज ही रात हम कूफा से चले जाएंगे। मेरे पास मुख्तार की तरह पर वाले कासिद नहीं है जो फौरन पैगाम पहुंचा दें। आज रात तो नहीं जनाब शिमर, कम से कम एक दिन का वक्त मुझे दरकार है कि तमाम साथियों को मुत्तला कर सकूं। मगर बहुत तेजी से काम लेना, तुम जानते हो कि मुख्तार एक जबरदस्त शिकारी है। बहुत खूब जनाब हकीम, वादा पूरा करूं, यह कबूल कीजिए। आपका ये एहसान किस हवाले से है? आपके इलाज का आखिरी हक जहमत है। तो फिर जो खतरा मैंने अपनी जान पर लिया उसकी कीमत का क्या होगा? इस तरह शिमर के पास आना, वो भी इन हालात में जब पूरा कूफा मुख्तार का जासूस है, इसकी क्या कीमत होगी शेख? और फिर ये इस काम की असली कीमत भी नहीं है। आप अनकरीब कूफे से चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा और वो ताने दुसने जो हमेशा मुझे सुनने पड़ेंगे। अगर मुख्तार को ये पता चल जाए कि कातिले हुसैन का मेरे हाथों से इलाज हुआ है, पहले तो मेरे हाथों को काट देगा, उसके बाद वो मेरे सर को कलम कर डालेगा। हकीम साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं शिमर, हकीम के काम की कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसे तुम जितना भी दे दो कम होगा। हकीम साहब, तुमने मेरी जान बचाई है, ये कोई छोटी खिदमत नहीं है, और मैं भी कोई अंधा आदमी नहीं हूँ जो खिदमत गुजारों की कदर ना करूं। आप मेरे इलाज के बदले में मेरी जान तो नहीं मांग रहे, मांगते हैं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शेख? मुझे अगर आपकी जान लेनी हो तो मैं आपका इलाज क्यों करता? कितना चाहते हो? आप अपनी सखावत से जितना भी दे दें, ये कीमत आप खुद मुअय्यन कर दें। ठीक है, इस घर के सरदाब में इतने सोने के सिक्के मौजूद हैं कि हम मुख्तार के खिलाफ पूरा एक लश्कर तैयार कर सकते हैं। चलो हकीम। ओहो, कैसी ताफुन ज़्यादा बदबू आ रही है। हो सकता है उन मरे हुए चूहों की बदबू हो जो जाल में फंस गए हो। ये सरदाब सोना चुराने वाले चूहों से भरा हुआ है। ये लो हकीम, ये रहा ढोल और ये वो खजाना जिसका मैंने वादा किया था। जितना सोना इस कुएं से निकाल सको वो तुम्हारा होगा। जो सोने की बू सूंघ कर बदल जाते हैं और अपनी बात पर साबित कदम नहीं रहते। वही सोने की सिक्कों की थैली काफी है मेरे लिए जनाब, मुझे डर लग रहा है, मैं चलता हूँ। कहाँ चले तबीब साहब? तुम पैसों की लालच रखते थे, मर्द बनो, अपनी बात पर कायम रहो ना।
मुझे कुश्ती चाहिए जनाब शिफ्ट, मैं इस रकम को भी वापस देने को तैयार हूँ जो आपने मेरी मेहनत के मुझे दिए थे। ये रकम तुम्हारी मीरास खाने वालों के लिए है हकीम, शिवर यतीमों का माल नहीं खाता। मैंने आपकी जान बचाई है जनाब शिव, क्या ये इंसाफ है कि मुझे मार डालो? खुदा की कसम इंसाफ नहीं है, बेगैरती और जुल्म है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। अपना जुर्म तो सुन लो इब्ने आशस, तुम्हारा इल्म कानून से काफी ताल्लुक है। जुर्म हकीम बताओ ताकि वो जान ले कि शिमर एक इंसाफ पसंद शख्स है। हकीम ने अपने गुमान में ये सोच लिया था कि शिमर एक मीठा आदमी है, लिहाजा खामोश रहने और इलाज करने के बदले इससे बड़ा मुतालबा किया जा सकता है। जब इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेगा तो बकाया हिस्सा एक बड़ी कीमत के बदले मुख्तार के हवाले कर देगा। जल्दी करो शिमर, वक्त कम है और तबीब को भी बहुत देर हो रही है। मैंने सुना था कि तबीब हजरत मुर्दे और मौत को देखने से नहीं डरते। डरो मत तबीब, डरो मत, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस वक्त कूफे से भागने के लिए सबसे पुराना रास्ता असली दरवाजा है। असली दरवाजा? ये नामुमकिन है शिमर, सिवाय शर्तों के चारों तरफ ऐसे जासूस हैं जो हम लोगों के लिबास में हैं और कड़ी नजर रखते हैं। हम कच्चे रास्ते से क्यों ना जाएं? कूफे के कच्चे रास्ते में ज्ञान जैसा एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा हुआ है और अपने शिकार के इंतजार में है। मैं कूफे के कच्चे रास्ते के चप्पे चप्पे से बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जो किसी के वहम गुमान में भी ना होगा। मुख्तार के आदमी भी इसी भरोसे में हैं। वो समझते हैं कि हम खुफिया रास्तों से भागेंगे। हमें दुश्मन की सोच के खिलाफ चलना होगा। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग असली दरवाजे से भागेंगे। कौन है? मलकुल मौत, मैं तुम्हारे बड़े से सर को पका के अमीर मुख्तार के आगे पेश करूंगा। क्या ये तुम हो सन्नान? खोलो दरवाजा बेवकूफ, मैं ही हूं। ये कैसा हुलिया बना रखा है? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि अपना पैदाइशी हुलिया भुला दें। ये हुलिया बनाया इसलिए कि अपनी असली हालत पे आ जाएं। जब तुम लोग आ रहे थे तो किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? इस हुलिया से किसी का कोई सरोकार नहीं है शिमर। शर्त लगा सकता हूँ मुख्तार भी हमें देख लेता तो ना पहचानता। इन्हीं खुशफहमियों से हमने अपने आप को धोखा दिया और आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। मुख्तार से कुछ बईद नहीं कि उसने तुम लोगों के शिकार पर अबाबील को मुकर्रर कर दिया हो। ये तुम शक के लहजे में क्यों बात कर रहे हो गधे कहीं के? ना किसी ने दो काले देगों को काले चेहरों को देख कर शक किया और ना ही किसी ने हमारा पीछा किया। असल मौजू की तरफ आओ, हम कब जा रहे हैं? सुबह की अजान के साथ उन रेवड़ों के साथ साथ जो घास चरने के लिए गुफा से बाहर निकलते हैं। Hmm.
देखो उमर, मुख्तार ने पिछली हंगामा आराई के बाद अपने तमाम तर अहदनामे खत्म कर दिए हैं। छोटे और बड़े किसी पर रहम नहीं करता। इससे पहले कि देर हो जाए कुछ अपनी फिक्र करो। मैं उसके खिलाफ हंगामा आराई में शरीक ही नहीं था। जो कुछ किया है शेमर और शबस ने किया है, और फिर उसने मुझे मकतूब अमान नामा दिया है। क्या तुम वाकई मुख्तार के लिखे हुए पर भरोसा कर रहे हो? तुमसे ये बईद है उमर? तार उस अमान नामे के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक को मैदान से दूर करना चाहता था, जो उसने कर लिया। बिला तकल्लुफ एक बात कहूं उमर, तुम अपनी बीवी के धोखे में आ गए हो। तुम्हारी आज ये जिल्लत बानो जारिया के करतूत की वजह से है, जिन्होंने अपने भाई से साज बास करके उमर साद अबी वकास को बूढ़ी औरतों की तरह खाना नशी बना दिया। अगर तुम मैदान में उतर आते तो मुख्तार का क्याम हरगिज कामयाब ना हो पाता। मुख्तार से वईद नहीं कि उसने किराए पर तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मुझे वसवसे करके शर्त तुड़वा दे। मैं क्या बेवकूफ हूँ? मैं बाजी मुख्तार के हाथ में हरगिज नहीं दूंगा। मैं सिर्फ उस दोस्ती और मोहब्बत की खातिर तुम्हारे पास आया था। आज मैं मुख्तार की महफिल में मौजूद था। उसने अपने साथियों से वादा किया कि कल मैं उस शख्स को कत्ल करूंगा जिसकी शक्ल सुअर से मिलती है, और तुम लोग उसकी मौत से बहुत मसरूर हो गए। उसने तुम्हारी निशानियां बताई हैं उमर, खुद ही समझो। कहाँ चले उमर? कब्रिस्तान। मैं तुम्हारी शक्ल देख देख कर थक गया हूँ जारिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है उमर, अपने दोस्तों के धोखे में मत आओ। वो लोग तुम्हें जोश दिला रहे हैं ताकि तुम मुख्तार से लड़ पड़ो। अगर मुख्तार में मुझसे लड़ने की हिम्मत होती तो इतने साल सबर नहीं करता और मौके की ताक में ना रहता। वो धोखे से मुझे मखलूब करना चाहता है। मैं अपने भाई मुख्तार को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नामुमकिन है कि वो अपने वादे को तोड़ दे। बकवास बंद करो और इतना अपनी माँ और अपने भाई पे फख्र मत करो। दोबारा तुमने उसका तذکرہ किया तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मैं मुख्तार को इत्तला देकर तुम्हें रुस्वा कर दूंगी। मौका मिल सके तो जरूर अपने उस सेंग वाले भाई को इत्तला देना। मेरी आज की ये जिल्लत तुम पर भरोसा करने का अंजाम है। तुम उस चाल का मजेदार निवाला हो जिसे मुख्तार ने मेरे लिए बिछाया है। तुम होश में तो हो उमर? ये क्या फजूलियात है? तुम्हारी और मुख्तार की जात एक ही है। तुम दोनों सरदारी और इक्तदार के आशिक हो। तुम लोगों पर भरोसा करना हिमाकत है। तुमसे मेरी जवानी का इश्क आज शदीद नफरत में बदल गया है। मुझे भी काफी अरसे से एक सच बेचैन कर रहा है जो मैं बोलना चाहती थी। तुम कभी भी मेरे आशिक नहीं थे उमर। तुमने मुझे इसलिए शिकार किया ताकि मुख्तार को शिकार कर सको। जैसे का बदला वैसे ही दिया है मैंने। तुम भी तो मेरे इक्तदार और शोहरत की आशिक थी, मेरी आशिक कभी ना थी। तुम उम्र साद की बीवी बनना चाहती थी ताकि अरब औरतों के सरदार बन सको। मैं अंधी थी उमर, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस जमीन में बीज बो रही हूँ। अब रहने दो जारिया, हम जितनी भी बातें करेंगे उतनी ही बात बिगड़ती जाएगी। तुम मलका बनने की आशिक थी और मैं अपने रकीब को कुचलने का आशिक था। मैं मानता हूँ कि हमने काफी खतरनाक खेल खेला, इसकी सजा भी मिलकर भुगत लेते हैं। ये क्या कर रहे हो उमर? तुम्हें निवाला बनाऊंगा, वो काम जिसका उस्ताद मुख्तार है। तुम्हें लुकमा बनाऊंगा ताकि मुख्तार को जाल में फंसा सकूं। बच्चों को उनके मामू के डर से अपने कबीले में भिजवा दिया है ताकि मश्क करें, मश्क इंतकाम। मैंने ताकीद की है कि कबीले वाले उन्हें मामू को कत्ल करने की मश्कें कराएं।
एक सरदार के लिए हमेशा जीत ही सब कुछ होती है चारिया। अब तुम मेरे लिए एक दुश्मन की हैसियत रखते हो। इस बागी औरत को घर के सरदाब में कैद कर दो और मुंतजर रहो जब तक मेरा पैगाम आए। लानत हो तुम पर उमर, मुझे अब पता चला कि तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जाता था वो सब सच था। मुझे अब समझ में आया कि तुमने हुसैन के घर वालों के साथ क्या किया होगा। मैं तमन्ना करती हूँ कि जिंदा रहूं और तुम्हारी मौत पर नाचूं। खुशी के कपड़े पहन के हर हर ये तमन्ना तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे पागल मामू को फांसने के लिए बेहतरीन लुकमा है। उसने हमारे घर के राज मुख्तार को पहुंचा दिया। उसने हमारे साथ खयानत की है। इसे कैद करना मजबूरी है। जिस दिन ये हमारे मुआसरे को तोड़कर मुख्तार के घर गई थी, आपको उसी दिन इसके हार पैर तोड़कर मार देना चाहिए था बाबा। अभी भी वक्त है हमारे पास। मेरे साथ आओ मेरे बच्चे। खुदा की फौज की क्या खबरें हैं? बहुत खुश हैं वो लोग, अपने अहलो आयाल के पास रहकर मजे से खा पी रहे हैं और हर महीने खुशी से तनख्वाह ले लेते हैं। परेशान लग रहे हो इब्राहिम? नहीं, परेशान नहीं हूं अबू इसहाक। मैं जमीन और आसमान के बीच में फंस गया हूं। मुझे डर है कि उस दिन हुक्म जहाद हो जब हमारे फौजी अपनी आसाइशों और घर बार से अलग होने को तैयार ही ना हो। आखिर क्यों हमारा लश्कर कूफे में आराम कर रहा है जबकि इब्ने मरजाना मुसल पर कब्जा कर चुका है और कूफे पर हमला करने की सोच रहा है? तुम्हारे क्यों का जवाब तुम्हारे सवाल में ही मौजूद है इब्राहिम। जब तुम्हारी तरह के सरदार के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो मतलब दुश्मन हमारे दरमियान तफरका डालना चाहता है। मेरे बाबा मालिक अश्तर की रूह की कसम, मैंने एक लम्हे को भी तुम पर और तुम्हारी तदबीरों पर शक नहीं किया। लश्कर का कूफे में रहना यकीनन कयाम की मसलहत के मुताबिक है। मेरे इस ख्याल का मकसद सिर्फ इतना था कि आपके कांधों से शायद कोई बोझ हल्का कर सकूं। इब्राहिम, मैंने कातिलाने हुसैन को सुकून का सांस लेने की मोहलत दी क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग कूफे के पास कबाइल के दरमियान असर रसूख रखते हैं। मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि ये लोग अपनी नजस खसलतों को जाहिर करके लोगों के दरमियान रुसवा हो जाए और अपनी मौत के हुक्म को अपने हाथों से ही लिखते हैं। अब इसकी रूह की हमारे दुश्मनों के दरमियान भी कोई अहमियत नहीं रही। मगर जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो शिमर जैसे हैवानों का जिंदा रहना है। जब तक शिमर जैसे लोग जिंदा हैं, फितने का डर बाकी है। माफी चाहता हूं अमीर, हुक्म कीजिए कि हर जगह ये ढंडोरा पीट दिया जाए कि आप इनके सरों के बदले सोना देंगे ताकि पूरा इराक अरब इनके लिए खतरा बन जाए। अगर अमीर को बुरा न लगे और बेजा दखल अंदाजी ना कहलाए तो मैं भरपूर तरीके से मैदान में आकर फितने की जड़ें काटने को तैयार हूं। नहीं इब्राहिम, बेहतर यह होगा कि तुम सबसे बड़े फितने की तरफ जाओ। खुदा गवाह है कि मैं सबसे ज्यादा मरजाना के बेटे से लड़ने की तमन्ना रखता हूं, मगर क्या करूं कि इस वक्त हुकूमत में जकड़ा हुआ हूं और मुझे यहीं रुककर हुकूमती मामला देखने होंगे। ये लो, ये इब्ने मरजाना से जहाद का हुक्म है। सिर्फ इतना ध्यान रखना इब्राहिम, शैतान से लड़ने के लिए दो रुखी तलवार की जरूरत होती है। ऐसी तलवार जिसकी एक नोक दयानत की है और एक नोक तदबीर की। जाओ इसे। मेरा गधा। चलो। मेरे गधे को मारना मत। चलो। मेरे गधे को खाना मत। तुम्हें और तुम्हारे गधे को एक साथ तो नहीं ले जा सकते। इसके गधे का ख्याल रखो जब तक फैसला ना हो जाए। चलो। मालिक अश्तराना खैबे दुरूद हो।
मुझे बचा ले, मुझे बचा लीजिए, आप मेरे और मेरे गधे की जमानत करा दो। अहलन व सहलन सरदार। अहलन इब्ने कामिल, अहलन। मुजरिमों में से है क्या? शिम्र का गुलाम है और रुस्तम कहलाता है, ईरानी है। सुना है करबला में लकड़ी से उम्मे वहाब के सर पर मारकर इसने शेर दिल खातून को शहीद किया था। उफ मेरे खुदाया, क्या तुम वहां थे? मैंने भी सुना है कि मुख्तार कज़्ज़ाब है, तुम्हें यकीन आ जाएगा क्या? तुम शिम्र के गुलाम हो या नहीं हो? हाँ मैं हूँ गुलाम। सरकार आप ही बताइए, क्या शिम्र का गुलाम होना जुर्म है? बड़ा मारूफ नाम है तुम्हारा, रुस्तम। खुदा करे कि गैरतमंदी में भी रुस्तम पहलवान की मानंद रहो। मुझे बचा लो सरदार, तुम्हारी दाढ़ी की कसम मैं बेगुनाह हूँ। तो फिर अपने और गधे के बारे में परेशान मत हो, मुख्तार की अदालत को खास आम सब जानते हैं। जाओ और अमीर मुख्तार की मदद करो ताकि शिमरे लईन को शिकार कर सके। जाओ। रुस्तम एक शिम्र नामी देव का गुलाम था जो उसकी इजाजत के बगैर पेशाब करने की जुरत नहीं रखता था। मुझ पर हमाम जाना हराम था, सालों साल हमाम नहीं देखा मैंने। मैं मजबूर था कि मिट्टी से तहारत करूं और कच्ची जमीन पर ही सो जाऊं। कुत्तों का बचा हुआ खाना मिलता था, मैं तो मजबूरन शिम्र का गुलाम बना। मैं तो उसकी इताअत करने पे मजबूर था। रुस्तम एक चूटी को मारने के भी खिलाफ है, इंसान को कैसे मार सकता है? तुम्हारी फरियाद खत्म हो गई? जी मैं चुप हो गया। वाकई तुम्हारा नाम रुस्तम है? नहीं जनाब, आपके खादिम का नाम फिशंग है। शिमर मलून मुझे रुस्तम पुकारता था और मेरे गधे को रक्ष। बकौल उसके वो हमारी कौम और हमारे अफसानों के पहलवान का मजाक उड़ाना चाहता था। लानत है तुम पर और तुम्हारे गधे पर कि तुम ईरानियों के लिए शर्म का बाइस बन गए हो। खबीस आदमी, शिमर जैसे जालिम की गुलामी से तुझे क्या मिला? उसे जहर दे के क्यों नहीं मार दिया तुमने? खुदा की पनाह, मैं उसकी कबा को भी हाथ लगाता तो वो 7 दफा उसको धोता था। मेरे हाथ से कुछ खाता नहीं तो जहर कैसे देता? फिशान, ये कहने से तुम्हारा जुर्म माफ नहीं हो जाता कि तुम मजबूर थे। तुम एक खातून के कातिल हो जिसका नाम उम्मे वहब था, जो जुल्म के खिलाफ थी और तुम जैसों की हामी थी। हजरत हमजा का कातिल भी हिंदा जिगर खुदा का खरीदा हुआ गुलाम था। मैं उस हुक्म के मुताबिक जो रसूल अकरम ने अपने चचा हमजा के कातिल के बारे में दिया था तो मैं माफ कर रहा हूँ, बशर्ते कि तुम शिमर को हमारे हवाले कर दो। मैं आपकी दाढ़ी पर कुर्बान। आप अपने नौकर को आजाद कीजिए ताकि शिमर को हाथ पांव से बांधकर आपके हवाले कर सकूं। देखा, तुमने फिर झूठ बोला। तुमने तो कसम खाई है कि शिमर दुम्बे की खाल पहनकर कुफी से भाग चुका है, फिर तुम इसे कैसे बांध के ला सकते हो? खुदा की पनाह, मैं फिर कसम खाता हूँ कि शिमर दुम्बे की खाल की कबा बनाकर दुम्बे के रेवड़ में शामिल होकर फरार हो गया। कहाँ जाएगा वो? मदाइन के करीब एक खंडर है जो पहले कारवां सरा था, वहाँ मुझे बुलाया है। अगर मैंने देर कर दी तो समझ जाएगा कि शिमर की खोज लगाई जा चुकी है। कब पहुँचने का वादा किया था? आज ही। मैं मदाइन जा रहा था कि शहर के दरवाजे पर मुझे उन लोगों ने पहचान लिया। अगर आज शाम तक मैं अपने आप को शिमर तक ना पहुँचाऊँ तो वो समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है। इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता अमीर। भाई नहीं कि शिमरे मलून ने इस बेकार शख्स को लुकमा बनाया हो ताकि वो खुद हमें इस जाल में फंसा कर भाग सके। फौरन हुक्म दो और कूफे के तमाम असली और फरीद दरवाजे बंद करवा दो। सबकी तफ्तीश की जाए, चाहे इंसान हो या चौपाए। अमीर का हुक्म पहले ही जारी हो चुका है, तमाम रास्ते कड़ी निगरानी में हैं। फिशान, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम खयानत का इरादा नहीं रखते? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मगर कोई ऐसा हो जिसे शिमर ना पहचानता हो। शिमर कुत्तों की सी हिस रखता है, 10 फर्सख से ही खतरे की बू सूंघता है, खासकर घोड़ों की आवाजें। अगर आपके आदमी हमारा पीछा करेंगे तो नामुमकिन है कि उन्हें वहां पर शिमर का सहाया भी मिल सके। आपका खादिम वादा करता है कि शिमर को नींद में हाथ पांव बांधकर अमीर के पास लेकर आ जाएगा आपकी खिदमत में। जरबी। जी सरकार। शिमर तुम्हें पहचानता है क्या? नामुमकिन है सरकार, मैंने तो उसे देखा है।
मगर उसने मुझे कभी नहीं देखा। तुम फिशिंग के साथ जाना चाहोगे? जी हाँ सरकार, आप जान भी मांगे तो दे दूं। बहुत खूब, जाइए हम भी देखें क्या करते हो। जो हुकुम सरकार। माफी चाहता हूँ, अगर आप कोई मकतूबा मानामा मुझे दे दें तो मेरी सात पुश्तों पर आपका ये एहसान होगा। तुम शिमर को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी माफी का हुक्म लिख दूंगा। जा सकते हो। बेंद कामिल। अमीर। क्यान से कहो कि उसके आदमी किसानों और गांव देहात के गरीबों के जैसे लिबास में उनका पीछा करें। जी अमीर। कुछ खबर है बिन फुरस की? बिन फुरस आज उमरे सात के घर गया और उससे मिला है। एहतमाल है कि उमरे सात बिन फुरस से मिलने के बाद अहदनामे को बातिल कर दे। इसी वक्त उमर के घर जाओ और उसकी हालिया खबर मुझे ला कर दो। जी अमीर। मालिक कहाँ है? मेरा मालिक घर पे नहीं है सरदार। कहाँ गया है वो? अपने खानदान वालों से मिलने गए। राजू भाई, लगता है घर में बैठे रहने से उम्र साथ डिग गया है और हवा खाने गया है। बहुक ने अमीर मुख्तार, घर के कोने कोने की तफ्तीश की जाए। रहम कीजिए सरदार, अगर मालिक को इन सब बातों का पता चल गया तो वो हम सबको जिंदा दफना देगा। घर की मालकन कहाँ है? औरत सब गए हुए हैं, मालिक मालकन बच्चे। ये घर चुटकों की कड़ी निगरानी में है, जो भी इस घर में आता जाता है उन सब की तफसील मुझे पता है। तुम्हारा मालिक कैसे गया है कि किसी ने उसको नहीं देखा? खुदा की कसम हम बेकसूर हैं। क्या इस घर का कोई खुफिया रास्ता भी है? इस दरवाजे के अलावा पीछे का एक रास्ता है। सरदार, कोई भी घर में नहीं है। ये लोग सच कह रहे हैं सरदार, उमर भाग निकला है। मान गया तदबीर अमीर मुख्तार को, कैसे उस चूहे को उसके सुराख से बाहर निकाला है। उमर ने अपनी हरकत के साथ अमान नामे की शर्त को बातिल कर दिया और अपनी मौत का हुक्म खुद ही लिख दिया है। कुछ अफराद यहाँ रुक जाए और हालात पर कड़ी नजर रखें। चलें। ये कैसी आवाज थी? बिल्लियों की आवाज है। बिल्ली? क्या तुमने बिल्ली की म्याऊ की आवाज सुनी? पानी का मटका टूटने की आवाज थी। जो कुछ भी है इस सरदाब के अंदर है। यकीन कीजिए बिल्ली की आवाज है। हमने सरदाब में बिल्ली छोड़ी है ताकि चूहों को खा जाए। यकीनन उसी बिल्ली ने कोई कूजा तोड़ दिया होगा। खुदा करे कि तुम लोगों का झूठ सच हो जाए, वरना तुम सबकी जबानें काट कर तुम्हारे कानों पर टांग दूंगा। दरवाजा है सरदार, तोड़ दो। सर उठाओ बहन। मुझे देखो, सालों से पहनों वाली नजरें देखने को तरस गया हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाई।
मैं तो समझ रहा था कि इमरान साहब मेरी बहन को मार कर मुझे रुलाएगा। ये जो तुम जिंदा रह गई हो यही काफी है। मैं सालों तक एक झूठे इश्क की हवस की आग में असीर रही हूँ। मैं आती थी ये न समझ सकी कि शैतान से रिश्ता जोड़ लिया है। मैं ये न समझ सकी कि शैतान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा टुकड़ा, जो बच्चा मेरे खून और दूध से परवान चढ़ा है, आज वो अपने बाप के साथ मिल गया है कि अपनी माँ को मार दे। लानत हो तुम्हारी गली इस तकदीर पर जारिया, लानत हो। अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं मेरी बहन। जिन दिनों तुम उमर के इश्क में दीवानी थी, मैंने ये देख लिया कि तुम्हारी खुशनसीबियों का परवाना तुमसे दूर हो गया है। मेरी मुखालफतें भी तुम्हारे सियाह बख्त को सफेद न कर सकी। काश आप मेरा सर काट देते भाई, काश मेरे पांव तोड़ के डाल देते, काश आप मुझे इजाजत न देते कि शैतान के हुजले पर कदम रखूं। अगर तुम मेरी सगी बहन होती, अगर हम एक माँ की औलाद होते, तो खुदा की कसम मैं जमीन आसमान एक करके इस गलत रिश्ते की रुकावट बन जाता। मगर सिवाय रजामंदी के और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं जो भी करता था उसके बाद के जुमले नहीं झेल पाता। तुम मेरी माँ क्यों नहीं थी दुबा? अरे खुदाया, हमारी गलतियों को माफ फरमा। आओ मेरी बच्ची, आओ कि तुम्हारी माँ की आगोश में सारी जिंदगी का अफसोस भरा है। आओ मुझे नहीं पता, शायद मैं ही कसूरवार हूँ कि मैंने हमेशा अपनी सौकन की बच्ची की नजर से तुम्हें देखा। जब तुम लोगों के बाप का इंतकाल हुआ तो तुम्हारी माँ के पेट में तुम थी। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ दुनिया से गुजर गई। मैं ताइफ में थी और तुम दोनों मदाइन में। जब मैंने सुना कि तुम्हारे शेरदिल भाई मुख्तार ने तुम्हारी कफालत कबूल कर ली है, तो मैंने सुकून का सांस लिया। मगर मुझे जान लेना चाहिए था कि मुख्तार एक मर्द है, वो तुम्हारे लिए माँ नहीं बन सकता। अरे अरे, देख रही हो उमरा, ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। अपना दिल मलामत करो नारिया, तुम माँ अपने आप को मलामत कर रही हैं, तुमसे क्या वास्ता? अभी देखना, सारे का सारा चुर मुझ बद नसीब के सर पर डाल देंगे। हाय खुदाया, तू तो जानता है ना, तूने देखा कि मैंने इस लड़की के हक में ममता दिखाई है। जिन दिनों उमर के इश्क में इसकी जान खेल उठी थी और गश खाकर गिर जाती थी, वो भूल गई है। अम्मा। हाँ मेरे लाल। सालों पहले दुश्मन ने गरमरे खान जैसे हमारे जिस्म के एक टुकड़े को हमसे जुदा कर दिया था। अब जबकि हक हकदार को पहुंच गया और हमारे जिस्म का टुकड़ा एक नापाक सूअर की चुंगल से नजात पा गया है, जाइए और सालों साल की दूरी के जख्म पर मरहम रखिए। बाबा जान, आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, हमें नहाना है। इन हालात में नहाना ठीक रहेगा। हालात? कैसे हालात? ठीक है, सब ठीक है। मुख्तार ने यह नहीं किया कि मैं वाजिब काम छोड़ू। मुझे वाजिब गुस्ल करना है मेरे बेटे।
नहाने के बाद हम कुछ हल्के हो जाएंगे और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम हो उमर? तुम होगे उमर, मैं नहीं। ताज्जुब है, जो अरब अपने मशहूर लोगों को ना पहचाने उसे तो मर जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा मरहूम बाप अरबों के फकर का बाइस हो। लानत हो शैतान पर। मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या वास्ता है? मैंने कहा ना कि मैं उमर नहीं हूँ। ताज्जुब है, तो फिर उमर साज जैसे क्यों हो? तुमसे क्या वास्ता कि मैं उम्र सात की शबीह क्यों हूँ? तुम्हें यहाँ क्या कि अपना नाम छुपाओ? खुदा उसके और उसके बेटे की मजालिम का बदला उसे जरूर ले। उसने वो काम किया है कि अरब के इज्जतदार लोग उसके खानदान से भी मेल मिलाप रखने से कतराने लगे। बहुत अफसोस होता है इस हाल पर कि एक अरब का इज्जतदार आदमी अपने गुलाम को अपनी सवारी पर घुमा रहा था ताकि वो खामोश रहे, किसी को कुछ ना बताए और उसके छुपने की जगह का बांडा ना खोल दे। तुम्हें यकीन आता है उमर? ओ ठीक आदमी, मैं उमर नहीं हूँ। आखिर ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? तुम्हारी जान की कसम, मेरा दिमाग तो बात मान लेता है मगर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। मुझे खुशी है कि तुम मुख्तार की चुंगल से निकल गए हो। मैं क्यों भागा हूँ? चलो बाबा, ये जगह कूफे की हदूद में नहीं है। तमाम कूफे वाले जानते हैं कि उमर साद इब्न अबी वकास मुख्तार के अमान नामे के तहत कूफे से नहीं निकल सकता और आप उमर के उस हमाम में हैं जो कूफे से बाहर है। उमर का हमाम? कौन से उमर का? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाई साहब? आपको हमसे क्या वास्ता जो इतना तंग कर रहे हैं? चलो बाबा चलो। ये शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था, खुदा की कुदरत देखो क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी भी अक्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था, खुदा की कुदरत देखो क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी भी आवाज होती है भाई, ये जिंदा सबूत है। ये कौन से नहाने का वक्त था बाबा? देखा ना, उन्होंने आपको पहचान लिया। जल्दी करें, हमारे पास वक्त नहीं है। कहां जाए दरबदर कहीं के, कहां जाए कमबख्त? अबू उमरा के आदमी और जासूस चारों तरफ फैले थे। अरे क्या गफलत हो गई, यकीनन वो मनहूस बिन खुरस भी मुख्तार का जासूस होगा। हमें धोखा दिया था कि हम शर्त तोड़। मुझे घर जाकर तुम्हारी माँ की दिलजोई करनी होगी। अब वो सब कुछ हो चुका है जिसे नहीं होना चाहिए था। मुख्तार किसी एक बहाने की तलाश में था जो उससे मिल गया। अब हम जाएं या ना जाएं, उसने अपना अमान नामा बातिल कर दिया है। अगर जाएं तो उम्मीद है कि अजमी सरदार से बच सके। बात सुनो बेटा, अगर तुम जरा सी चालाकी दिखाओ जैसे कि तुम हो चालाक, एक चाल है जिसके जरिए हम इस परेशानी से आसानी निकल सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? आओ इधर आओ, बताता हूँ। किधर? मुझे मुख्तार से मिलना है। तुम्हारा नाम क्या है शहजादे? मैं उम्र साद का बेटा हूँ, मुख्तार सकफी का भांजा। अच्छा, आइए, आपके मामू आपके मुंतजर हैं। खुश आमदीद। मेरे वालिद ने हरगिज वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेंगे। हम अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुँचे ना थे कि मेरे वालिद साहब को अफसोस हुआ कि आपको इतला क्यों ना दी। मुझे भेजा ताकि आपको बाखबर कर दूं। वो खुद क्यों नहीं आया? उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, शायद गुरूर का मसला आड़े आ गया हो। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। फिलहाल तो तोड़ चुका है बेटा। कैसे तोड़ा होगा मामू? आपने उन्हें अमान नामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम ना उठाएंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में है। पक्की बात है? जी हाँ, जब मैं और बाबा घर से निकले वो घर में थी। तुम्हारे माँ बाप के दरमियान कोई बहस नहीं हुई? बहस किस बात की? इस बात की कि इजाजत के बगैर घर से ना निकलो।
अजीब सी बात कर रहे हैं। उन दोनों में बहस क्यों होनी चाहिए जब ये तय है कि हम सिर्फ जमीनों और बागात को देखने जा रहे हैं। अभी तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबा जान बागात को देखकर ही घर वापस आएंगे। बहुत खूब, तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारे बाप को न देख ले। क्या यह जरूरी है कि मैं यहाँ रुकूं? हाँ जरूरी है। बिन कामिल। अमीर। अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ के घर जाके उसे हमारे पास बुला लाओ। अगर उसने बहाने माजी की या तलवार निकाल ली तो उसका काम तमाम कर देना। जी अमीर। सारी कहानी से ये सब क्या है? आस्तीन के सांप ने बिलाखिर अपना जहर उगल दिया। उमर, तुम महासरे में हो, कोई गलती की तो तुम्हारे घर को तुम पर वीरान कर दूंगा। बेहतर होगा कि तलवार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। काश तुम्हारा जोशीला मीर मेरे मुकाबले पर आया होता। कोई बात नहीं, जैसा कि मैं अमीर मुख्तार की शराफत से वाकिफ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, ताकि मर्दाना वार तुम्हारी जान ले सकें। शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और तुम मुख्तार की जान ले लो। किस्मत हम खुद बनाते हैं अरब शाकरी। मैंने जिस दिन अपनी तलवार को पहचाना है उस दिन मैं जान गया कि यह खूंखार हथियार मेरी तकदीर बन सकता है। मुख्तार ने भी इसी तलवार के बल पर आज खून के बिस्तर पर टेक लगा रखी है। मैं मुख्तार को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता कि मैं उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास उसके सामने खाक की जिल्लत पर बैठ जाऊं। तुमसे क्या छुपा रहा, मैं भी एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता था जब मुख्तार अफसरदा और सर झुकाए हुए मेरे सामने मिट्टी पर गिरा हुआ हो। मुख्तार की तलवार मेरी तलवार से ज्यादा तेज न थी, उसकी चालाकी और मक्कारी ज्यादा तेज थी। मेरी और मुख्तार की बचपन की बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी तलवार को सिखा रखा है कि मुख्तार की इस आरजू को हसरत में बदल दे। Thank you.
तुम्हारी तलवार की ताकत को तो मैं मान गया, अगर तुम हिमाकत न करते तो तुम्हारी और मुख्तार की जंग देखने वाली होती। तुम जो मुख्तार के हाथों के पले हुए हो, आगे बढ़ो, इन बेचारों का खून क्यों जाया करते हो? कोई बीच में ना आए। المجرمين منتقمون تمہارے ہاتھ کٹ جائے مختار تم اور تمہاری چالباز بہن نے میرے باپ کو دھوکہ دے کر خانہ نشین بنا دیا اگر وہ تمہارے جھوٹے امان نامے پر بھروسہ نہ کرتے اور میدان میں اتر آتے تو آج تمہارا سر اس تشت میں ہوتا تمہارے والد کو ان کے اعمال نے قتل کر ڈالا بیٹے اگر خون کا بدلہ خون ہے تو پھر تم بھی موت کے منتظر رہو تم کہتا ہوں کہ آج سے اپنی عمر کے ہر لمحے کو اپنے کتے ماموں کے قتل کے ارادے سے بتاؤں گا کتے کی اولاد میں تمہاری جان لے لوں گی मैंने कसम खाई थी कि तुम दोनों के सुलह में खुशी के कपड़े पहनकर हिला करूंगी आ, 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 आ,